देवा जिले में लंबे समय से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन चोरी की घटनाएं घटित ना हो। 30 थाना क्षेत्रों के बीच में लगभग प्रतिदिन एक दर्जन चोरी की घटनाओं से जहां क्षेत्र के लोग भयभीत हैं, वहीं पुलिस के लिए भी बदमाश चुनौती बने हुए हैं। कंट्रोल रूम में पुलिस ने आधा सैकड़ा चोरियों का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। उक्त आरोपियों ने विश्वविद्यालय मऊगंज सेमरिया समान गुड़ गोविंदगढ़ चौराहा और सतना जिले में चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बताया जाता है कि आरोपियों से पुलिस ने सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में वीरेन गोंड पिता रणवीर गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी सरवनपुर बांधा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, सैलेन गोंड पिता दिलीप गोंड उम्र 27 वर्ष निवासी हरदी महादाड़ी थाना गुड़ जिला रीवा, जितेन पिता संतोष गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी डेगरहट थाना रामपुर बघेलान जिला सतना और सूरज गोंड पिता वीरेन गोंड उम्र 27 वर्ष निवासी डेगरहट थाना रामपुर बघेलान बताए जाते हैं, जिनसे पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात नकदी लगभग 9 से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। दरअसल लगातार क्षेत्र में हो रही चोरियों से पुलिस की जमकर छिछालेदार हो रही थी, जिसके लिए एक टीम गठित की गई थी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे सघनता से पूछताछ पर आधा सैकड़ा चोरियों का खुलासा हुआ है। आपको सुनाते हैं पकड़े गए आरोपियों और चोरी की घटनाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे दोनों एडिशनल SP साहब ने जो टीम बनाई थी, उन टीम को एक सफलता मिली है। पूर्व में भी इसी प्रकार की बड़ी संख्या में चोरियां ट्रेस की गई थी। लगभग 80-80 चोरियों के आसपास चोरियां ट्रेस हुई थी और एक गैंग का पूरा खुलासा हुआ था। उस गैंग के कुछ बिखरे एलिमेंट या ये कह सकते हैं वो साथी जो अभी उस दौरान पुलिस की पकड़ धकड़ से भाग गए थे, तो अब वो दोबारा हमारे रडार में आए हैं और उनमें से अभी 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जो माल बरामद हुआ है वो अभी आपके सामने है। हमारे ज़िले की 30 चोरियां जो विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं, जो कि आपको प्रेस नोट में लिस्ट में दिया गया है, उनकी जानकारी इनसे मिली है। साथ ही साथ अभी पूछताछ में उन्होंने सतना जिले में भी लगभग 20-21 चोरियों के आसपास की जानकारी दी है। हमने इसकी इंफॉर्मेशन सतना पुलिस को भी दे दी है। उनकी टीम आकर इनसे अभी पूछताछ करेगी और इनसे इंटरोगेशन के दौरान उनकी संख्या और भी मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। वो लोग भी अपने इसको रिमांड पर लेंगे आरोपियों को और अपने रिकवरी करेंगे, तो इससे क्षेत्र में हमारे काफ़ी संख्या में चोरियों पर भी अंकुश लगेगा और जो लोगों के साथ घटना हुई थी उनको भी उनका सामान वापस करके पुलिस अपने ड्यूटी को निभाने का एक एग्जाम्पल पेश करेगी। जो टीम ने इतना अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में इतनी चोरियाँ ट्रेस की हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग कैश रिवार्ड भी देंगे इस टीम के सभी मेंबर्स को। और इन सब की जो चोर हैं मिले हैं, इनकी गैंग हिस्ट्री शीट हम लोग खोलेंगे, जिससे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं, गैंग में किस साथी का क्या रोल रहता है, उस सब पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और हमें आशा है कि अभी और पूछताछ में और भी डेवलपमेंट होंगे तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। कितने लोग की गैंग थी और कहां कहां कैसे क्या पूरा? अभी तो 4 लोग हमारे पास में हैं और अभी तक की पूछताछ में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार में पूरी जानकारी प्राप्त करना संभव हो नहीं पाता, तो क्रॉस चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स इनके लिए हैं और अन्य जिलों में भी पूछताछ कर रहे हैं इनके बारे में। कुछ जगह पर साइबर सेल भी अपना प्रयास कर रहा है कि वहाँ से भी कुछ सहयोग मिले, तो अभी थोड़ा विवेचना में समय लगेगा, जिससे कि हम फाइनल तभी बता पाएंगे जब हमारी हर एंगल से पूरी विवेचना पूरी हो जाएगी। लोग रीवा के ही थे सर, बाहर के हैं? इसमें कुछ अमरपाटन के रहने वाले लड़के भी हैं, कुछ हमारे यहाँ के हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमने चर्चा की थी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों से कि ये लड़के इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और उसके पश्चात ये लोग
चोरी करके जब जो भी इनको पैसा मिलता है मैक्सिमम मोटरसाइकिल वगैरह खरीद के उसको अपना समझते हैं कि हमने काफ़ी अचीवमेंट कर लिया और आगे कोई कभी कोई तरक्की नहीं कर पाते, कोई कैरियर नहीं बना पाते और फिर जब वो पैसे ख़त्म होते हैं तो चोरियों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जिला कलेक्टर ने भी इस बात को समझा और उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स से चर्चा की है और तीनों डिपार्टमेंट मिलके हमारा प्रयास है कि अगले एक हफ्ते में हम इस क्षेत्र में जाकर एक कैंप लगवाएं और शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उससे इनको रोजगार क्या मिल सकता है। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार किसी अपराध में चले गए हैं, कुछ बच्चे नाबालिग भी हैं इनके कुछ ग्रुप में, तो हम चाहते हैं कि वो लोग अपराध की ओर प्रवृत्त ना हों, इस हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं से उनको लाभ कैसे दिलाया जाए इसका कैंप नेक्स्ट 7 डेज में गढ़ थाना क्षेत्र में हम लोग प्लान कर रहे हैं और उनको छोटे छोटे कोई रोजगार के लिए शॉप खोलने के लिए, कोई अपना बिजनेस करने के लिए, इस टाइप की चीज़ों पे अभी काम चल रहा है। 3 डिपार्टमेंट इसमें हमारा सहयोग करेंगे, उसमें हमारी एक चर्चा एक बैठक हो चुकी है। अभी कुछ सामान तो अभी प्राथमिक रूप से इनसे जो मिला है तो बचा हुआ मिला है, अब अगर जो बेचने वाला इनका एंगल है तो जैसे पिछली बार की चोरी में आपने देखा इलाहाबाद का एक जो सोने का व्यापारी था वो इनका बहुत बड़ा साथी निकला था, तो हमने उसको भी मुलजिम बना था वो भी, और वो भी जेल गया था। इस बारे में अभी इनसे और पूछताछ जारी है कि इनका कोई और इस प्रकार का दुकानदार है जो इनके सामान को खपाने का काम करता था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि कोई लिंक इलाहाबाद तक है क्या, क्या मध्य प्रदेश छोड़ के अगर वहाँ जैसे पिछली बार हुआ था तो पिछला अनुभव भी हमारी टीम अभी अपना उस अनुभव का भी लाभ लेगी। इसमें नाबालिग नहीं है, पर जैसा कि हम देख रहे हैं प्रवृत्ति में कि रीवा जिले में कई बार चोरी के दौरान नाबालिग बच्चे पकड़े जाते हैं और जिस तरह से ये लड़के जो काम कर रहे हैं फिर वहाँ के जो बच्चे नए वो इस काम में ना शामिल हों भविष्य में, इसको देखते हुए हम लोग उस योजना पे कलेक्टर साहब और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके रोजगार परक कैंप और योजना कैंप लगाया जाए।